पाकिस्तान से प्रेम है, वहाँ जाते हैं बिरयानी खाते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री से बिना बुलाए मिलते हैं। जब उन्होंने कहा कि नहीं हम 20 मिनट तक हम सेफ नहीं रहे, मुझे खतरा था, उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने ये बातें कही। मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, ये वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट। और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, क्या ये सही है इरफान जी? देश में पहली बार इस तरह की घटना घटी है, प्रधानमंत्री की गाड़ी 20 मिनट तक रुकी रही, प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया, क्या ये सही है? और जब इस घटना पर सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री डर गए, उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए, क्या ये सही है इरफान जी? बात सुनिए मैडम, आपने कहा था, मैं जवाब दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री को किसने घेरा? क्या वहां आतंकवादी था? क्या वहां कोई उनको मारने का प्लानिंग किया गया था? किसने उनको डर लगा? वो किसान थे, उन्हीं के देश के प्रधानमंत्री थे। आप मालिक हैं, अगर किसान ने अगर आपका प्रदर्शन कर रहा है तो एज ए प्रधानमंत्री आपको चाहिए था वार्ता करते, उनकी समस्याओं को सुनते, उनका समाधान करते। अब बेवजह आप चले आए कहे कि नहीं हम खतरा लगा वहां, किससे खतरा? किसानों से खतरा? किसानों को मारेगा क्या? सर सर इरफान जी, जी 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 बोलिए सर, बोलिए, आप अपनी बातों को रखिए, उसके बाद मैं भी पूछूंगी सर सवाल। जी बात सुनिए, मेरी बात बिल्कुल, बात को पूरा कीजिए सर, बिल्कुल। पंजाब में चुनाव है मैडम, मेरी बात सुनिए, भाजपा अपनी जमीन खो चुकी है, मोदी जी की रैली थी वहाँ पर, और जब भी नेता को रैली में जाता है तो पहले आवाज करता है कितना भीड़ है वहाँ, मोदी जी को लाखों लाख भीड़ से देखने की आदत है। अब किसी ने कह दिया कि 200 लोग भी वहाँ नहीं है तो वापस फिर है, उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर वहाँ नहीं जा पा रहा है, तो हेलीकॉप्टर नहीं जा पा रहा है वहां तो आप रोड से कैसे जाएगा मैडम वहां? तो दूसरा बात यह है कि अगर किसी ने उनको रोका गाड़ी तो मोदी जी को आगे आना चाहिए, और मैं कहूंगा कि आप मालिक है, आप चौकीदार है देश के, आपके हाथों में वायु सेना, जल सेना, थल सेना, सारी सेनाएं आपके हाथ में है, आपके हाथ में गृह मंत्रालय है, आपके हाथ में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आपके हाथ में सारे एजेंसियां आपके हाथ में है, उसके बाद आपको डर लग रहा है क्यों भाई? किसान 2 साल तक आंदोलन कर सकता है, किसान 2 साल तक खड़ा रह के मर सकता है, हमारे मोदी जी 5 बीच में खड़ा किया रखे तो उनको खतरा लगने लगा? ये नहीं होना चाहिए। पंजाब के लोग, मैं सुनिए, पंजाब के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, कोई भी व्यक्ति वहां जाता है, उनके राज्य में जाता है, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं और सम्मान देकर गिफ्ट देकर भेजते हैं। ये तो आम लोगों के साथ, ये तो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो गएंगे तो उनको इतना सम्मान करेगा। बात खराब लगा कि प्रधानमंत्री जी के बारे में इतनी हंसी बातें आ रही है सामने, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, अगर प्रधानमंत्री के दुश्मन कोई चूक है तो ये मेरा बहुत बड़ी बात है, गड़बड़ी है, हम लोग देखेंगे, हमारी सरकार देख रही है। बिल्कुल, मुद्दा यही था इरफान जी, इरफान जी मुद्दा यही था, आप मुद्दे को कहीं और लेके जा रहे थे। सवाल यही है जो बीजेपी भी कर रही है, जो जनता भी कर रही है, प्रदर्शनकारियों से बातचीत करना, आपने कहा कि क्यों नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होनी चाहिए? क्या इस तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को लेकर? यह सवाल है। और एक और सवाल है, कोई भी प्रधानमंत्री, देश के किसी भी प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और इरफान जी, एक और सवाल यह है कि लगातार जो आप बातें कह रहे हैं, प्रोटोकॉल तोड़ना ये बड़ी चूक है और इस चूक पर जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और एक और सवाल ये उठता है इरफान जी कि इसके पहले भी राजीव गांधी हो या फिर इंदिरा गांधी हो, उनके साथ जो हुई, कांग्रेस भी इस पर सवाल कर रहा था, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उन्होंने भी इस पर सवाल किया, क्या इस तरह की चूक बर्दाश्त होनी चाहिए इरफान जी? ये सवाल है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग खड़े हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा कि अगर चूक हुआ है इसकी जांच होगी। दूसरी बात में मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी मालिक है, अगर किसी अन्य देश में उनके साथ सुरक्षा में चूक होता तो समझ में आता, ये तो हमारा देश। वही तो बड़ा सवाल है कि अन्य देश में नहीं, खुद के देश में इसके पहले नहीं हुआ है चूक? इसके पहले भी तो चूक हो चुकी है इरफान जी, प्रधानमंत्री, हमारे देश के 2 प्रधानमंत्री को हमने इसी चूक की वजह से खोया है। तो सवाल यह है कि क्या अपने देश में इस तरह की चूक बर्दाश्त होनी चाहिए क्या इरफान जी? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की चूक है भाई? वहां लोग ने पथराव कर दिया मोदी जी पर, किसान ने लाठीचार्ज कर दिया, आप इंतजार कर रहे थे क्या? क्या इंतजार था इस बात का हमें? देखिए मैडम, क्या इससे घटना घटी है क्या?
तो क्या हम इंतजार कर रहे थे इस बात का कि क्या अब प्रधानमंत्री का घेराव कर प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया था? केवल केरल के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हमारे भी प्रधानमंत्री है ना आपके। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं इरफान जी, सुरक्षित नहीं है, तो बात सवाल है सुरक्षा पर, और आप कह रहे हैं कि डरे हुए हैं प्रधानमंत्री, सुरक्षा पर सवाल है, तो सवाल का जवाब दीजिए ना कि लापरवाही क्यों हुई। मैडम मैं सुन रहा, प्रधानमंत्री जी के साथ लापरवाही कैसे हो सकती है मैडम? 8,000 का उनके पास फ्लाइट है मैडम, बोइंग जम्बो जेट है, हेलीकॉप्टर है, वो जो गाड़ी महंगी महंगी गाड़ी में घूम रहे हैं, एसपीजी है, हमारी सारी सुरक्षाएं मौजूद है, प्रधानमंत्री जी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ मैडम, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सच्चाई जानिए मैडम, आप तो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, आप तो मीडिया से बिलोंग करती है, सच्चाई ये है कि 5 राज्यों में भाजपा समाप्ति और है, दोबारा कभी नहीं जीती आएगी, किसान मारे गए हैं, किसान के आंसू पोंछना चाहिए था, ना कि आप पंजाब को जाकर बदनाम कर दिए। अभी मोदी जी गए थे बंगाल में, बंगाल में मैडम वहां पर जाकर मोदी जी का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा एरिया जो बंगाल से सुना हुआ है, बंगाल के चुनाव में उन्होंने कहा है दीदी महिलाओं को मजाक उड़ाया, क्या हुआ जिलों में चले आए, आज आप बंगाल आज पंजाब चले गए, पंजाब की धरती में बैठ रहा होगा, पंजाब को कैसे माफ करेगा मैडम? पंजाब के कई फोन आ रहे हैं हमारे पास, हम लोग उन लोगों को कह रहा है, उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग प्रधानमंत्री जी को विजिट कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए मैडम। पंजाब चलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं झारखंड से, उन्होंने एक बड़ी बात कही है और उस बात पे ही हम उनसे चर्चा कर रहे थे। हालांकि सुरक्षा सवाल पर कांग्रेस ने भी कहा है कि इस तरह की चूक बर्दाश्त नहीं होगी, अगर बात प्रधानमंत्री को लेकर है तो इस तरह की चूक बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन इरफान अंसारी का वो बयान हम आपको लगातार सुना रहे हैं, वो लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ कहा है इरफान अंसारी ने, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। और इरफान अंसारी ने खुद भी बातचीत कर कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को कोई मार सकता है क्या? देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके हाथों में सुरक्षा व्यवस्था है, आपके हाथों में गृह मंत्रालय है, आपके हाथों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, कौन मारेगा आपको? केवल आपने पंजाब में जाकर तमाम पंजाबी भाइयों को आपने बदनाम करने का काम किया। मैं कह देना चाहता हूँ मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री को, कि पंजाबी के स्वाभिमान के साथ मत खेलिए आप। बहुत मददगार जात होता है वो सरदार, लड़ने वाला जात होता है सरदार, मारने वाला नहीं, मेहमानों को खातिरदारी करता है, इज्जत देता है, नवाजता है। और आप कह रहे हैं कि हम पंजाब से बच के आ गए? अगर आपको मोदी जी, अगर आपको हिंदुस्तान में मन नहीं लगता है, अगर आपको हिंदुस्तान में खतरा लगता है, आप जाइए पाकिस्तान, जाइए पाकिस्तान, वहीं खाइएगा बिरयानी। छोड़िए आप लोग भाजपा के लोग, इंडिया हिंदुस्तान छोड़िए आप लोग। अब जो हस्ती आप कर रहे हैं, आप बंगाल जाते हैं वहाँ कर देते हैं, ओ दीदी मजाक उड़ाया बंगालों का आपने, और आज आप सारे पंजाबियों का मजाक उड़ा कर रहे हैं, इतना बड़ा आरोप आप पंजाबियों पर लगा रहे हैं, ये कौन बर्दाश्त करेगा? देश में सुरक्षित नहीं है तो पाकिस्तान चले जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने खोला मोर्चा। इरफान अंसारी ने घटना को बताई बीजेपी की बड़ी चाल। पीएम ने पंजाब के लोगों का किया है अपमान, इरफान अंसारी ने बड़ी बात कही है। पीएम की सुरक्षा चूक पर कांग्रेस का बड़ा बयान। देश में सुरक्षित नहीं तो पीएम जाए पाकिस्तान। बड़ी खबर इस वक्त की जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक है इरफान अंसारी और उन्होंने मोर्चा खोला है। पीएम ने पंजाब के लोगों का अपमान किया है। अधिक बातचीत करेंगे हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे सहयोगी रितेश कुमार।